आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मटर पनीर की सब्ज़ी की रेसिपी। बिल्कुल हलवाइयों के जैसे मटर पनीर आप घर पे बना सकते हैं। ये जो सब्ज़ी है, ये जो हम रेगुलर मटर पनीर बनाते हैं उससे थोड़ी सी डिफरेंट है। थोड़ा डिफरेंट तरीके से मैंने इसे बनाया है और बहुत ही बढ़िया इसका टेस्ट आता है। आप इस रेसिपी को एक बार मेरे तरीके से ज़रूर ट्राई करें, आई एम श्योर आपको पसंद आएगी और आप हमेशा फिर इसी तरह से बनाकर खाना पसंद करेंगे। तो चलिए बनाते हैं इस मटर पनीर की सब्ज़ी को। अस्सलाम वालेकुम। तो सबसे पहले हम मटर पनीर बनाने के लिए पनीर के क्यूब्स को फ्राई करेंगे। पनीर को मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है। यहाँ पे मैंने 3 से 4 बड़े चम्मच ऑयल ले लिया है। इसको मैं गरम करूँगी। अच्छी तरह से जब गरम हो जाएगा इसके अंदर हम पनीर के पीसेस डाल देंगे और पनीर के पीसेस को 2-3 मिनट के लिए एक साइड से सेकने देंगे और उसके बाद फिर पलट के हम दूसरी साइड से सेक लेंगे। इसी तरह से हम पनीर को फ्राई कर लेंगे अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक। दोनों साइड से 2-3 मिनट के लिए हम फ्राई करेंगे दोनों तीनों साइड से। तो यहाँ पे देखिए हमारा पनीर अच्छे से फ्राई हो गया है। अब इसको हम निकाल लेंगे, इससे ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। पनीर को हमने फ्राई करके निकाल लिया है। बचे हुए ऑयल को मैंने दूसरे पैन में ले लिया है। इसी में हम थोड़ा सा ऑयल और डालेंगे। तकरीबन 2 बड़े चम्मच ऑयल मैंने और ले लिया है। इसके अंदर डाल रहे हैं हम ये 3 लौंग, 1 बड़ी इलायची और ये आधा टुकड़ा दालचीनी का छोटा सा, आधा छोटी चम्मच जीरा ऐड करेंगे। जीरे को थोड़ा सा ब्राउन होने देंगे और उसके बाद हम इसमें डालेंगे दरदरी पिसी हुई प्याज का पेस्ट। यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज को दरदरा सा पीस लिया है, बिना पानी के पीसा है मैंने इनको। अब हम इसको भून लेंगे। प्याज में आप पानी डाल के पीसेंगे तो उसको भूनने में ज़्यादा टाइम लगता है और उसका जो दरदरा सा पेस्ट होता है उसका टेस्ट अलग आता है, और बिल्कुल फाइन पेस्ट बना के डालेंगे तो उसका टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट आता है। तो ये वाला टेस्ट मुझे पसंद है। हम प्याज को थोड़ा दरदरा पीस के ऐड करेंगे या आप कद्दूकस करके ऐड कर लें। प्याज हमारी भुन चुकी है। हम यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। तो अदरक लहसुन के पेस्ट को भी मैंने दरदरा सा कूट लिया है। इसको भी अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे और 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लेंगे। अदरक लहसुन के पेस्ट को आप फ्रेश ही डालें तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। मैंने 6 से 7 कलियाँ लहसुन की ली हैं। आधा इंच का टुकड़ा अदरक का लिया, उसको दरदरा सा मैंने क्रश कर लिया है। आप चाहें तो पेस्ट भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो अदरक लहसुन का पेस्ट भी हमारा अच्छी तरह से भून चुका है। हम इसमें 2 टमाटर की प्यूरी बना के ऐड करेंगे। 2 टमाटर को मिक्सी में पीस लिया है मैंने, और ये जो हाइब्रिड टमाटर होते हैं सलाद वाले, वो टमाटर आपको यूज़ करने हैं। देसी टमाटर आप यूज़ नहीं करें, नहीं तो आपकी सब्ज़ी का टेस्ट बहुत ज़्यादा खट्टा हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे सलाद वाले टमाटर का यूज़ करना है। टमाटर के पेस्ट को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हम इसमें थोड़े मसाले ऐड करेंगे। मसालों में हम ऐड कर रहे हैं 2 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, नमक टेस्ट के हिसाब से। तो यहाँ पे 1 छोटी चम्मच हमने नमक ले लिया, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डाल लिया। और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे ये है भुने हुए जीरे का पाउडर। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं हो तो आप छोड़ सकते हैं इसे, इसके बिना भी सब्ज़ी अच्छी बनती है। और इसके साथ ही हम यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे। अगर आपके पास भुने हुए जीरे का पाउडर हो तो ज़रूर ऐड करें, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो अब इसको मिक्स कर लेंगे। भुने हुए जीरे का पाउडर जो है आपको ज़्यादा ऐड नहीं करना है, 1/2 छोटी चम्मच ही ऐड करना है। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और अब इस मसाले को हम अच्छे से भून लेंगे। 3 से 4 मिनट भूनने के बाद हमारा मसाला कुछ इस तरह से दिखेगा। ये बहुत अच्छी तरह से भून चुका है हमारा मसाला। अब इसमें हम मटर ऐड करेंगे। मटर यहाँ पे हम हरे मटर, ताज़ा मटर यूज़ कर रहे हैं। अगर आप फ्रोज़न मटर यूज़ कर रहे हैं तो उसे ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो हम यहाँ पे फ्रेश मटर यूज़ कर रहे हैं तो हमें उसे थोड़ी देर ज़्यादा पकाना पड़ेगा। तो ये 1/2 कप मटर मैंने यहाँ पर ऐड कर लिए। अब मटर को गलने में तकरीबन 7-8 मिनट का टाइम लग जाता है। तो आप इसमें तकरीबन 1/2 कप पानी डाल के इसको कवर करके मीडियम फ्लेम पर पकने दीजिए तकरीबन 6-7 मिनट के लिए, और 6-7 मिनट बाद एक बार चेक कर लीजिए। अब हम इसे ढक के रख देंगे और 6 से 7 मिनट के लिए पकने देते हैं मीडियम फ्लेम पे। तो मटर को हमने 6-7 मिनट के लिए पका लिया है। मसाला भी हमारा दोबारा से अच्छी तरह से भुन चुका है और मटर हमारी अच्छी तरह से गल चुकी है। जो हमने पानी डाला था वो सारा ड्राई हो गया है। मटर को एक बार चेक कर लें आप। तो मैं यहाँ पर मटर को चेक कर लेती हूँ। तो यहाँ पे एक दाना लेंगे मटर का और उसको हम इस तरह से, देखिए हमारा मटर बिल्कुल अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गया है। अब हम इसमें एक चीज़ और ऐड करेंगे जो कि हमारे मटर पनीर को बहुत ही अच्छा टेस्ट देगी, वो है कसूरी मेथी। कसूरी मेथी तकरीबन 1 छोटी चम्मच,
तवे पे रोस्ट करके हाथों से क्रश करके डालेंगे तो बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा इसका। कसूरी मेथी ऐड करने के बाद एक मिनट के लिए इसको चलाते हुए इस तरह से भून लेंगे तो इसका फ्लेवर और भी निखर के आता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा इसका फ्लेवर आता है। अब इसमें हम डालते हैं थोड़ा पानी, तकरीबन एक कप तक पानी आप इसमें डाल सकते हैं। हम इसको थोड़ा सा हलवाई स्टाइल में बना रहे हैं तो इसकी ग्रेवी जो है हम बहुत ज़्यादा थिक नहीं रखेंगे और बहुत ज़्यादा पतली नहीं रखेंगे, तो हम यहाँ पे एक कप पानी ऐड करेंगे और पानी में हम बॉयल आने देंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद ढक के रखेंगे और इसमें बॉयल आने देंगे। जब इसमें अच्छा सा बॉयल आ जाएगा तो हम इसमें डालेंगे पनीर के क्यूब्स। पनीर को हमने थोड़ा सा फ्राई करके रखा है तो वो हल्का सा हार्ड हो जाता है फ्राई करने के बाद, तो हम इसको इस तरह से जब इसमें बॉयल आ जाएगा ग्रेवी में तो इसके अंदर डालेंगे और 2-3 मिनट के लिए हम इसको ग्रेवी के साथ पकने देंगे तो ये अपने आप ही सॉफ्ट हो जाता है। पनीर को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब इसमें हम कुटी हुई काली मिर्च का पाउडर डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर मटर पनीर के अंदर आता है, एक बार आप ज़रूर ट्राई करें। कुटी हुई काली मिर्च से बहुत ही बढ़िया फ्लेवर इसके अंदर आता है। अब इसको हम ढक के पकने देते हैं, मीडियम फ्लेम पे हम इसको 3 से 4 मिनट के लिए पकाएंगे। तो पनीर को हमने ढक के 3 से 4 मिनट के लिए पका लिया है, पनीर हमारा बिल्कुल रेडी है। अब इसके अंदर हम लास्ट में डालेंगे कटा हुआ हरा धनिया और 1/2 छोटी चम्मच हम इसके अंदर डालेंगे गरम मसाला पाउडर। तो ये हमारा मटर पनीर बिल्कुल रेडी हो गया है बनके। एक बार मिक्स करेंगे और एक बार आप पनीर भी चेक कर लीजिए। मैं आपको पनीर चेक करा देती हूँ, पनीर जो हमारा थोड़ा सा हार्ड हो जाता है फ्राई करने के बाद वो कितना सॉफ्ट हो गया है। 3 से 4 मिनट इसको हमने इस तरह से पका लिया है तो ये बहुत ही सॉफ्ट हो गया है हमारा पनीर। तो ये देखिए पनीर का एक क्यूब मैं आपको चेक करा देती हूँ। तो ये देखिए हमारा पनीर बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है, इसके अंदर आपको मेरे हाथ से दबाने से ही पता चल रहा होगा ये कितना सॉफ्ट हो गया है। अब हम इसको ढक के रखेंगे 2-3 मिनट के लिए और उसके बाद आप इसको डिश आउट कर सकते हैं। तो ये हमारा मटर पनीर बनके रेडी हो गया है। आप इसे नान के साथ, पराठे के साथ, रोटी के साथ, चावल के साथ, जैसे भी आप सर्व करना चाहें वैसे आप इसे सर्व कर सकते हैं। तो ये हमारा मटर पनीर बनके रेडी हो गया है, तो चलिए डिश आउट कर लेते हैं हम इसे। तो ये देखिए हमारा मटर पनीर बहुत ही बढ़िया बनके रेडी हुआ है, बिल्कुल रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा अच्छा ये इसका टेस्ट आएगा और बहुत ही अच्छा ये मटर पनीर बनता है। आप इस तरह से आप इसे ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर जरूर करें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।